हाय एवरीवन, दिस इज़ नवीन भाटिया और आज फिर से मैं एक ट्यूटोरियल के साथ आया हूँ जिसका नाम है मैं हूँ वो पलक जो। ये है मोहित गौर जी का गाना और क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना है तो नीड पड़ेगी जरूरत होगी लोगों को इसके गिटार कॉर्ड जानने की, इसके स्ट्रमिंग पैटर्न, इसके कैपो का यूज़ और विदाउट कैपो कैसे इसको प्ले करेंगे गिटार पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉन्ग। सो इसकी सबसे पहली कॉर्ड है जो है सी शार्प, ये सबसे पहली कोड है सी शार्प और ये एक मेजर कोड है क्योंकि बेसिकली अगर कोई भी एक शार्प या सिर्फ सी बोलता है तो उसका मतलब है वो सी मेजर है या फिर सी शार्प मेजर है। जब तक उसमें माइनर ना लगाया जाए वो माइनर नहीं सिर्फ मेजर ही काउंट होती है। सो सेकंड कोड है एफ शार्प मेजर जिसकी शेप है ये और ये बार कोड है, इसको आप विद कैपो इजीली प्ले कर सकते हैं तो वो मैं इसके कुछ मिनट बाद बताऊंगा। सो थर्ड कोड है इसकी जी शार्प मेजर। जी शार्प मेजर इस गाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये ऑलमोस्ट रिपीट काफ़ी होती है बट जब गाने में मेलोडियस वाला एक स्मूथ वाला पार्ट आता है तो उसमें यही प्ले होती है। और एक और कोड है जो है ए शार्प मेजर, हाँ ए शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, ए शार्प माइनर है जो बहुत कम यूज़ होगी पर अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आप लीव करना चाहें उसको तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाने में क्योंकि ये थ्री कॉर्ड्स पे भी प्ले हो सकता है गाना। और अब मैं इन कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन बता देता हूँ और सेम प्रोग्रेशन हमारा बार कॉर्ड्स या कैपो के साथ होगा तो मैं सेम गाने के लिए अभी कैपो यूज़ करूँगा और कॉर्ड्स उसके साथ बताता हूँ। सो फर्स्ट फ्रेट पर मैंने कैपो लगा दिया है और इसको प्ले करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सी की नॉर्मल शेप यूज़ करनी है लाइक दिस। सो ये तो है फिंगर स्टाइल, और ये नॉर्मल स्केल है जो कि सी मेजर है और इसको मैंने बस थोड़ा शिफ्ट किया है आगे तो मैंने इस गाने को इसी स्केल पे किया है। और क्योंकि आने वाली वीडियो है मेरी अभी साथ ही के साथ मैं एक वीडियो डालूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक और वो वीडियो देख सकते हैं कि मैंने इसी स्केल पे उस गाने को कैसे किया हुआ है। और इसके बाद है एफ मेजर और उसके बाद है जी मेजर। जी मेजर जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ कैसे यूज़ होनी है तो इसके अलावा अब मैं इसका स्ट्रमिंग पैटर्न बता देता हूँ। स्ट्रमिंग पैटर्न है ये, इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है और ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है जैसे कि यूनिवर्सल पैटर्न जो होते हैं हमारे उनमें से ही एक है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हो तो ट्रैक भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल और इसको प्ले करने का एक और भी तरीका है जैसे कि फिंगर स्टाइल या फिंगर पिकिंग जिसको आप कहते हैं। सो उसका तरीका ये है, अब क्योंकि मैंने ये गाना अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं तो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस और एक अच्छी रिदम को कैच करके उसको सिंग करके उसके साथ आपको गाने की ज़रूरत है। सो जो एक कवर सिंगर है उसको यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। सो मैं एक बार गा के भी सुना देता हूँ कि ये कैसा साउंड करने वाला है इन कॉर्ड्स पे। मैं हूँ वो पलक जो तेरी आँखों ना आँखों से टूटे फिर गिरे
वो पलक जो तेरी मासूम सी आंखों से टूटे फिर गिरे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरा ये वोकल्स भी अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स व्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करें और मुझे कोई गाने के सजेशन भी भेजें ताकि मैं इम्प्रूव करूं अपने वीडियोस को और ज़्यादा वीडियो बनाऊं और ट्यूटोरियल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा डालूं, क्योंकि अभी मैं बहुत कम ही ट्यूटोरियल्स डालता हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे पहले से अवेलेबल होते हैं। और इसी गाने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोड्स और लिरिक्स मिल जाएंगे जो कि मेरे खुद के ब्लॉग में डले हुए हैं, तो रिटर्न में अगर किसी को चाहिए तो वो हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा मेरी वीडियो जो दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ गाना ही डाला हुआ है विद थंबनेल, सो वो भी आप सुन सकते हो कि मैंने कैसे किया है अपने स्टाइल में, थोड़ी बहुत एडिटिंग और नॉर्मलाइजेशन के साथ है। सो प्लीज़ उसको भी व्यू करें और मेरे ब्लॉग में जाके अपने लिए हेल्पफुल कंटेंट ढूंढें। थैंक यू।